हेलो नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी गुरु चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रॉपर्टी गुरु। तो दोस्तों आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं अभिषेक जी। अभिषेक जी हमारे व्यूवर्स को एक बार नमस्कार कर। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आपका? बढ़िया सर, आप सुनाइए। बिल्कुल बढ़िया। तो दोस्तों आज हम बात करते हैं सेक्टर 33 के रिगार्डिंग। तो जैसा कि सर वहाँ बड़े एक्सपर्ट हैं, ये प्रॉपर्टी में काफ़ी अच्छा इन्होंने एक्सपीरियंस हासिल किया हुआ है और सेक्टर 33 हिसार का जो सेक्टर 33 है उसमें काफ़ी लंबे टाइम से अपना अच्छा कारोबार कर रहे हैं, मतलब बहुत अच्छी कंसल्टेंसी ये प्रोवाइड करते हैं। तो अभिषेक जी आप सेक्टर, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूवर्स को बता देते हैं कि सेक्टर 33 की कौन सी लोकेशन रहेगी, तो कौन सी लोकेशन पे ये एस्टेब्लिश है? सर लोकेशन तो ऐसा है, सेक्टर 33 के अंदर आप देखिए बिल्कुल नया फ्रेश सेक्टर है, ठीक है। और लोकेशन के हिसाब से अगर हम बात करें तो सबसे जो प्रीमियम सेक्टर्स में अगर हम बात करें तो सेक्टर 14 आता है अपने हिसार में। हाँ बिल्कुल, जो सेक्टर 14 है बिल्कुल वो सबसे महंगा सेक्टर आई थिंक है ना? बिल्कुल सर। हाँ। रेंट के हिसाब से भी आपको अच्छे वहाँ पर अवेलेबल होंगी चीज़ें और अगर प्रॉपर्टी के हिसाब से बात करें तो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा सिस्टम है वहाँ पे। तो सेक्टर 14 को जैसे ही आप क्रॉस करते हो तो उसके जस्ट बैक साइड पे सेक्टर 33 पार्ट 1 पड़ेगा और थोड़ी सी आप अगर हल्का सा 14 के लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं तो सेक्टर 14 पार्ट 2 भी है। तो एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छा सेक्टर है। अच्छा, तो ये जो सेक्टर 14 है तो इसका आसपास में अभी सेक्टर 33 आया सिर्फ? बिल्कुल। और उस लोकेलिटी में या हिसार के जो अगर हम देखें कि वेस्टर्न साउथ नॉर्थ वेस्टर्न साइड में और कोई सेक्टर है नहीं? सर देखिए अभी तो फिलहाल यही सेक्टर है, लेकिन आने वाले अगर फ्यूचर की बात करें तो जैसे ये आपका घोड़ा फार्म लगता है और थोड़ा सा अगर हम साउदर्न बाईपास की बात करें जो बगला रोड पे आगे जाता है तो यहाँ पर आने वाले टाइम में हो सकता है अभी फ्यूचर हुडा सेक्टर काटे, लेकिन अच्छा। फिलहाल मौके पे अगर आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सेक्टर 33 के अंदर आपका एक अच्छा स्कोप है इन्वेस्टमेंट का। बहुत क्योंकि वहाँ पर आप ऐसा जी एडवांटेजेस की अगर हम बात करें कुछ तो जैसे बस स्टैंड आपके नज़दीक पड़ेगा, राजगुरु मार्केट है हिसार की काफ़ी अच्छी बड़ी मार्केट आप सब जानते हैं, वो भी काफ़ी नज़दीक है। ऑटो मार्केट का जो हब है, ऑटो मार्केट आप लेके चलिए वो भी नज़दीक है। और सबसे पहली बात ये है कि जो थोड़ा सा इन्हेंसमेंट का इशू है सेक्टर्स में आ रहा है वो वहाँ पर नहीं है। अच्छा, मतलब सेक्टर 33 में अनाउंसमेंट का प्योरली गवर्नमेंट सेक्टर है सर, यहाँ पर इन्हेंसमेंट का कोई इशू नहीं है। तो दोस्तों सेक्टर 33 में जो रेट इतने ऊपर आसमान छू रहे हैं उसका मेन कारण ये है कि यहाँ अनहांसमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, इन फ्यूचर भी यहाँ अनहांसमेंट नहीं आ सकता। नहीं आ सकते जी बिल्कुल। हाँ, तो क्योंकि उसका कारण है कि ये जो सेक्टर है ये गवर्नमेंट लैंड के ऊपर बना हुआ है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। बिल्कुल सर, ये सबसे बड़ा मुद्दा ही आप ये लेके चलिए हुड्डा सेक्टर्स में यही है। हाँ, आज जो हुड्डा सेक्टर्स के रुझान खत्म हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण ये था कि वहाँ अनाउंसमेंट टाइम टू टाइम आता रहता, वो बहुत बड़ी चीज़। बिल्कुल चीज़ है ये बात। तो सर ये बताइए जैसे सेक्टर 33 है इसको कनेक्टिविटी कौन सी रोड से ज़्यादा? सर कनेक्टिविटी तो ऐसा आप ये लेके चलिए, एक तो जो मेन कनेक्टिविटी है वो तो आपके बाईपास के साथ में ही है, जैसे आप घोड़ा फार्म जो पार कर मतलब क्रॉस करोगे तो उसके जस्ट बिल्कुल साथ के अंदर ही आपको कनेक्टिविटी मिलेगी। दूसरी कनेक्टिविटी इसकी सेक्टर 14 की साइड से है मेन एंट्रेंस से, और एक और कनेक्टिविटी है जो डायरेक्ट आपका सेक्टर 14 अगर हम क्रॉस करेंगे तो आगे जो सिरसा रोड आती है वहाँ से भी इनकी मेन रोड से कनेक्टिविटी आने वाले टाइम में पॉसिबल है। तो बहुत बढ़िया, ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। और दूसरा अब तो कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है क्योंकि बाहर से रिंग रोड बन चुका है हिसार के पूरे बाहर से, बहुत अच्छा एक रिंग रोड बन गया जिससे आपको शहर के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है जी। और सबसे बड़ी चीज़ ये उन लोगों के लिए जो मतलब सिरसा साइड में, फतेहाबाद साइड में अगर आपका कोई बिजनेस है, आपका बरवाला साइड में कोई बिजनेस है या आपका मेन मार्केट में राजगुरु मार्केट, क्लॉथ मार्केट, अगर वहाँ पर आपका कोई बिजनेस है तो उसको आप वहाँ पे आराम से कर सकते। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ सर कि मैंने तो खुद वहाँ पर 200 गज का एक अपना खुद का प्रीमियम प्लॉट मैंने परचेज किया हुआ है काफी टाइम से। अच्छा, आपने कब कौन से साल में किया? सर मैंने किया था लगभग 2018 के अंदर मैंने एक परचेज किया था सर। अच्छा, 2018 में आपने, और अब भी 2020 एंड हो रहा है। बिल्कुल। तो 2018 में क्या रेट आपने लिया? उस टाइम तो मुझे लगभग आप ये लेके चलो कि 15,000 रुपए के आसपास पर गज मुझे कॉस्ट पड़ी थी। हाँ। और आज अगर मौके पे बात करूँ तो वही कॉस्टिंग नियर अबाउट 35,000 से 40,000 पर स्क्वायर यार्ड पे जा रही है। तो दोस्तों आप आइडिया लगा सकते हैं कि दो साल के अंदर कितने गुना प्रॉपर्टी उछाल मारती है। बिल्कुल, ये बहुत बड़े आपके लिए तो मतलब सर बहुत गंगा नहा गया है।
तो वही है जी, मैं खुद भी एडवाइस यही करता हूँ, जब हमने खुद जब इन्वेस्टमेंट करी है तो हम अपने दर्शकों एक बार दोबारा बता देता हूँ सर, सेक्टर 33 200 गज यानी 8 मरले का प्लॉट, बिल्कुल जी बिल्कुल, आपने लिया 15,000 रुपए गज 2018 में, आज 2020 एंड चल रहा है और आपका प्लॉट की कीमत है 40,000 रुपए पर गज, बिल्कुल एक गज का, बिल्कुल सर आप ये मान के चलिए 25,000 रुपए आपका पर स्क्वायर यार्ड पे प्रॉफिट है। तो यानी कि ये तो सर वो कह रहे थे सोने पे सुहागे वाली बात है कि आपने सही टाइम पे अगर इन्वेस्टमेंट करी होगी तो आपको जरूर अच्छा रिटर्न मिलेगा, और शहर की प्रॉपर्टी में तो वैसे ही आप ये लेके चलिए कि काफी अच्छा माहौल। और दूसरा ये देख रहा हूँ कि मैं जो अभी बिड वाला सिस्टम चल रहा है, हाँ हरियाणा में ना बिड चल रहा है, तो उसमें बहुत उछाल मार रहा है, ये 45,000 को टच कर गया है कई जगह। बिल्कुल सर, कई जगह आप ये लेके चलो, ये अच्छा वो जंप कहते हैं ना, एक हाई हेल्दी जंप कहते हैं, हाँ। वो हेल्दी जंप लेके चला है सिस्टम, और आने वाले टाइम में उम्मीद है कि और जाएगा। हाँ। तो अगर हमारे दर्शक एक अच्छा हेल्दी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और एक अच्छी जगह हिसार में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आई थिंक सेक्टर 33 विल बी द मोस्ट प्रोमिनेंट लोकेशन फॉर देम। बिल्कुल, वैसे तो मैं फेवर में रहता हूँ कि सभी सेक्टर्स बहुत ही बढ़िया है, आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करें, आप रहें रेजिडेंशियल के पर्पज से करें, लेकिन जो सेक्टर 33 में जंप आया पीछे कुछ टाइम से, जो वहाँ प्रॉपर्टी में उछाल आया, उसको देखते हुए तो वहाँ मौका छोड़ने का मन नहीं करना कोई बंदा जी, बिल्कुल, बिल्कुल अगर आपको अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है फिलहाल आप वहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल फील फ्री हो गए, बिल्कुल। और दूसरा सर, कई लोग बोलते थे कि वहाँ नमी का इश्यू बहुत ज़्यादा है सर, या कुछ ऐसा तो ऐसा है जी, नमी का तो आप ये लेके चलो भी हर जगह ही थोड़ा बहुत तो रहता ही है, लेकिन वो कुछ नहीं, आजकल तो सारे ट्रीटमेंट हो जाते हैं जी, ठीक है, अगर कोई अगर हर एक सेक्टर की कोई ना कोई एडवांटेज और डिसएडवांटेज होती है जी, लेकिन नमी का इशू तो आप ये लेके चलो अपने सेक्टर 16-17 में भी है, आप वहाँ रहते हैं आपको खुद को पता होगा, सेक्टर 9-11 में भी है, तो ये तो जी एक टाइम के ऊपर बात है, घर आपने जब आपने घर को बनाया है तो उस टाइम पर आपने क्या क्या फैक्टर्स ध्यान में रखे हैं ह्यूमिडिटी को कंट्रोल को लेके, अगर आपका उस टाइम पे सही है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन ठीक है कोई ऐसा इशू नहीं है वहाँ पे, आप बेधड़क इस चीज़ को आप कर सकते हो। तो अच्छा अभिषेक जी ये बताइए, मान लो अगर कोई वहाँ के रिगार्डिंग कोई कंसल्ट करना चाहे तो आप पूरी की पूरी फैसिलिटीज उनको अवेलेबल करवाएंगे? बिल्कुल जी बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरी फैसिलिटी रहती है सर, प्लॉट विजिट रहता है आपका, जब तक आपका प्लॉट का सारा मतलब आप देखने से लेके परचेजिंग तक का जो सारा असिस्ट है वो हमारी टीम पूरी करती है, और जो भी इसमें कोई भी अगर आपको विजिट चाहिए या आपको कोई भी फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, वो सारे का जो भी सिस्टम होता है हुड्डा के थ्रू भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सारा हम इशू कंप्लीट करके देते हैं, यानी प्लॉट देखने से लेके प्लॉट परचेज तक हमारा पूरा साथ रहता है इसके अंदर, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। और इसके अलावा जैसे सेक्टर 33 में आई थिंक सबसे ज़्यादा चौड़ी सड़क है? बिल्कुल सर बिल्कुल, वहाँ पर आप ये लेके चलिए जो मेन अंदरूनी सेक्टर की जो रोड है वो आपको 12 मीटर मिलेंगी लगभग, आप ये लेके चलो 40 फुट वाइड है, 40 फुट की नॉर्मल जो सड़कें हैं वो 40 फीट 40 फुट चौड़ी हैं जी बिल्कुल, तो उससे और बाकी कई 80 फुट की जो मेन रोड है जो, बिल्कुल, तो इसको देखते हुए ना आपको पार्किंग की इश्यू वहाँ है नहीं, बड़ा खुला बनाया है, खुला माहौल मिलेगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है इस चीज़। और दूसरा स्कूलिंग वगैरह बहुत अच्छे अच्छे वहाँ स्कूल है, एक क्लास स्कूल है, अगर सेक्टर 14 की बात करें तो उसमें IDDAV स्कूल है आपका, एक श्रीराम आइडियल स्कूल है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जस्ट बाईपास पे आपका प्रेसिडियम स्कूल है, कृष्णा परिणामी स्कूल है, तो स्कूलिंग का कोई इशू नहीं है जी, बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूल है और अच्छा माहौल है वहाँ पे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, साथ में ही आपका वो जो घोड़ा फार्म लगता है वो एक तरह से कैंट एरिया है, तो वहाँ पे भी एक अच्छी हेल्दी इन्वायरमेंट है, आपकी ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल, और आपको कुल मिला के काफ़ी अच्छा सिस्टम है। दूसरा आई थिंक जो शहर के मुकाबले वहाँ पॉल्यूशन भी बहुत कम है ना, क्योंकि पूरा का पूरा आउटर में रह गया, बिल्कुल, और आगे आके काफ़ी खेत और गाँव का एरिया टच हो गया, पॉल्यूशन के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा ही है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं कि पॉल्यूशन का भी लेवल वहाँ पर काफ़ी कम है, बाकी वही है जी सबसे बड़ी बात, तो आप ये लेके चलो आजकल कनेक्टिविटी का तो वैसे कोई इशू नहीं है, सभी के पास अपने अपने साधन रहते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जैसे जैसे सेक्टर ग्रो करता है वैसे वैसे अच्छा वहाँ पे सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए सेक्टर 33 बहुत ही बढ़िया है, और हाल फिलहाल में हमारे पास काफ़ी प्लॉट्स हैं, तो अगर कोई भी व्यूवर्स कोई भी अपना इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से या रेजिडेंशियल पर्पज़ से अगर सेक्टर 33 में इन्वेस्ट करना चाहता है, पैसा लगाना चाहता है, तो बेशक आप हमें अच्छा समय है, हाँ ये बहुत बढ़िया समय है, और आप दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें कांटेक्ट कीजिए,
और व्हाट्सएप कीजिए उसके ऊपर, क्योंकि फ़ोन बहुत ज़्यादा आते हैं तो उसको हम सभी अटेंड नहीं कर पाते। डिटेल दे सकते हैं प्रॉपर्टी गुरु चैनल पे, और इसको मैक्सिमम आप अपने रिलेटिव्स के साथ जो हिसार में एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करना चाहें उनको आप शेयर कीजिए, चैनल को प्रॉपर व्यूज़ दीजिए, तो आपको एक हेल्दी आप ये लेकिन हेल्दी आपको इन्वेस्टमेंट का हम आपको मौका देंगे और इस चैनल के साथ आप बने रहें। हाँ, और क्योंकि जितना ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करेंगे तो क्या होगा, हमें भी एक अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी आपको दिखाने का मौका मिलेगा। हाँ, और आजकल एक वैसे भी निषाद जी यही बात है कि भी जो एक सोशल नेटवर्किंग है उसके थ्रू हम काफी अच्छी एक माहौल बना सकते हैं जिसे काफी लोग जुड़ते हैं और हर एक को एक अच्छा एक ओपन एक्सेस मिलता है भाई, विदाउट एनी इंटरफेरेंस एंड विदाउट एनी हेजिटेशन भाई। हम डायरेक्ट कस्टमर और आपका जो बेचने वाला और खरीदने वाला है दोनों आपस के अंदर एक अच्छे माहौल में बात कर सकते हैं। बिल्कुल, और दूसरा एक हमारी कम्युनिटी डेवलप होती है इससे ना, जितना आप इसके ऊपर कमेंट करते रहेंगे एक हमारी बहुत अच्छी कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी जिससे आप आपस में भी डीलिंग कर सकते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको करना हो। हाँ जी, तो ये चीज़ है। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको कभी भी बड़े ऊपर स्तर पे जाना है, अपनी लाइफ में ग्रो करना है, तो आप एक अच्छी लोकेलिटी में अपना रेजिडेंस लें, अच्छी लोकेलिटी के लोगों के साथ रहें, तो यही होता है सर। बिल्कुल सही बात है, अच्छी लोकेलिटी में रहेंगे तो अच्छी डेवलपमेंट आएगी, बच्चे अच्छे एजुकेटेड होंगे, और दूसरी बात हमें भी एक अच्छा सोशल सर्कल मिलेगा। बिल्कुल वो बात है। और कमर्शियल साइट्स के बारे में क्या कुछ कहना है सर आपका? कमर्शियल साइट्स तो अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा सेक्टर 33 में, लेकिन जिस हिसाब से सेक्टर थोड़ा वेल स्टेब्लिश हो रहा है, हमने भी नहीं सोचा था कि बहुत जल्दी भाई इसके अंदर लोग बनाने शुरू कर जाएंगे, तो जिस हिसाब से पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से भी मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन अभी फिलहाल एक बार थोड़ा सा हमें रुक जाना चाहिए। बिल्कुल, अभी तो आप जैसे राजदरबार स्पेसिस हैं वहाँ पर एक अच्छा सिस्टम है, SEOs वगैरह नए लॉन्च किए हैं, आपको पता ही है। बिल्कुल बिल्कुल, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे, आपको एक बहुत ही प्रीमियम साइट के ऊपर लेके चलेंगे, वहाँ के बारे में बताएंगे। बिल्कुल, तो उसको देखने के लिए आप बेल आइकन दबाइए सो दैट कि जैसे ही हमारा वीडियो होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बिल्कुल, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद, ओके।